नमस्कार आरसिंध के दर्शकों को मैं सतीश अग्रवाल स्वागत करता हूं हमारी नियमित स्वास्थ्य चर्चा हेल्थ केयर में। मित्रों, जैसा कि हम हर बार स्वास्थ्य विषयक समस्या पर हमारे एक्सपर्ट के साथ चर्चा करते हैं और आज का विषय हमारे दैनंदिन जीवन से जुड़ा हुआ है और जो सुनने में काफ़ी भयानक लगता है वह दमा यानी अस्थमा। शब्द सुनते ही एक बहुत ही सांस लेने जिसको तकलीफ हो रही है, बहुत सांस से जो तड़प रहा है, ऐसे बच्चे और बड़े व्यक्ति की कल्पना होती है। और सबसे दुखद पहलू यह होता है कि जो सुनते बराबर चाहे बच्चे के माता पिता और व्यक्ति हो, उसके मन में डर की भावना समा जाती है। आज इसी विषय को लेकर हमारे बीच इस विषय के विशेषज्ञ उपस्थित है और हम अपने आप को काफ़ी सौभाग्यशाली समझते हैं कि हमारे बीच यवतमाल से पधारे डॉक्टर संजीव जी जोशी उपस्थित है। डॉक्टर संजीव जी, आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार। डॉक्टर संजीव जी जोशी, इन्होंने अपना ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन जीएमसी नागपुर से किया है और उसके बाद लगातार सफलता की सीढ़ियां चढ़ते हुए इन्होंने अस्थमा, एलर्जिक राइनाइटिस, एपिलेप्सी, न्यूनेटल रिसेशन आदि विषयों में नेशनल ट्रेनर की पदवी हासिल की है और विभिन्न जगहों पर जाकर इन्होंने डॉक्टरों को प्रशिक्षित किया है। डॉक्टर जोशी ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड से फेलोशिप हासिल कर चुके हैं और स्टेट और नेशनल लेवल पर फैकल्टी के रूप में प्रस्तुत हुए हैं। फिलहाल यवतमाल में सामान्य बाल रोग चिकित्सा के अलावा ये न्यूनेटल और पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर भी चलाते हैं। डॉक्टर जोशी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि अस्थमा या दमा ये बीमारी क्या है। सर्वप्रथम एक बार फिर से अमरावती आरसीएन के दर्शकों का मैं विनम्रपूर्वक अभिवादन करता हूं। डॉक्टर सतीश, इसके मुख्य दो कारण है। जैसे अभी पिछले 20-25 वर्षों में जो अर्बनाइजेशन मतलब जो शहरीकरण भरा है में वृद्धि हुई है अपने भारत देश में, साथ में इंडस्ट्रियलाइजेशन भरा है, साथ में व्हीकल्स की मात्रा बढ़ी है, इन चीज़ों के वजह से जो पोल्यूशन हवा में हो रहा है उस ये एक मुख्य कारण है अस्थमा की बीमारी विशेषतः छोटे बच्चों में बढ़ने का। और दूसरी वजह ऐसी है कि आजकल हमारे डॉक्टर्स में भी अवेयरनेस बढ़ा है। जैसे मैं एज अ ट्रेनर करके काम करता हूँ तो वो अवेयरनेस बढ़ने की वजह से इस बीमारी का निदान भी हम अत्यंत छोटे बच्चों में कर रहे हैं, इसके वजह से भी इसका परसेंटेज बढ़ा है। डॉक्टर संजीव जी, ऐसे कौन से लक्षण किसी रोगी में होंगे जिससे हम पता लगाते हैं कि अस्थमा है? देखिए, अस्थमा के तीन मुख्य लक्षण है। इसमें मुख्य लक्षण बोले तो खांसी आना। अब ये खांसी उस बच्चे को सर्दी और बुखार के साथ में भी रह सकती है या कभी कभी बिना सर्दी बुखार के भी रह सकती है। इस खांसी की विशेषता ऐसी है कि वो रात में ज़्यादा होती है, दिन में उसके मुकाबले थोड़ी कम होती है। ये खांसी हंसने से, रोने से या दौड़ने से बढ़ती है। दूसरा लक्षण है कि सांस लेते वक्त एक सीटी सरी का आवाज आना, जिसे हम मेडिकल टर्म्स में वीजिंग कहते हैं। वो वीजिंग की शुरुआत होती है तो माँ कहती है, डॉक्टर साहब मेरे बच्चों की छाती में घर घर की आवाज़ आ रही है, सांस लेने में उसको तकलीफ हो रही है। ये एक है। और दूसरा सांस का तीसरा जो लक्षण है वो सांस का जोर जोर से चलना है। ये तीन अगर किसी बच्चों में ये तीन लक्षण हो और वो बार बार हो रहे हो तो हम उसे अस्थमा का लेबल देते हैं। अगर ये पहली बार ही होता है तो हम उसे अस्थमा नहीं कहते हैं, बार बार होना ये जरूरी है। उन शारीरिक लक्षणों के अलावा उसमें कुछ मनोवैज्ञानिक लक्षण भी होते हैं? मनोवैज्ञानिक लक्षण जरूर होते हैं। सबसे पहले तो हम अगर किसी माँ को कह दें कि आपके बच्चे को दमा हुआ है तो वो बिल्कुल शौक में चले जाती है। और दूसरा, अगर बच्चा स्कूल गोइंग है, अगर उसे डॉक्टर ने कह दिया या घर वालों ने कह दिया कि तुझे दमा है, तू स्पोर्ट्स में भाग नहीं ले सकता, तू डांस नहीं कर सकता, तू स्विमिंग नहीं कर सकता, तो उसके मन में एक हीन भावना तैयार हो जाती है और ये हीन भावना से भी अस्थमा का प्रादुर्भाव उस बच्चे में बढ़ता है। तो कुछ मनोवैज्ञानिक कारणों से? मनोवैज्ञानिक कारण भी रहते हैं। मनोवैज्ञानिक कारण से भी अपने शरीर के हॉर्मोन्स कम ज़्यादा होते हैं, उसके वजह से दमा भी बढ़ता है। डॉक्टर जोशी, अगर किसी को मान लीजिए दमा है और उस लक्षण है, उसके उपचार चल रहे हैं, तो कैसे पता चलेगा कि उसका वो दमा बढ़ गया, वो तीव्र स्थिति का हुआ है?
देखिए, अगर बच्चे को खांसी की दवा हफ्ते में कम से कम 2-3 बार देना ज़रूरी होता है माँ बाप के लिए, इतनी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो ये एक लक्षण है। दूसरा, बच्चे की सांस बहुत ज़ोर ज़ोर से चल रही है और सांस लेते वक्त बच्चे की छाती में गड्ढा पड़ रहा है, ये जो मसल है यहाँ की वो ये प्रोमिनेंट हो जाती है सांस लेते वक्त, और एकदम छोटा बच्चा है तो माँ का दूध खींच नहीं सकता है, थोड़ा सा बड़ा बच्चा है तो वो थोड़ा सा चलता है तो खांसी आ जाती है, और एकदम छोटा बच्चा कभी कभी जैसे दूध न पीने की वजह से और सांस लेने की तकलीफ की वजह से चिड़चिड़ा हो जाता है। और अगर इस बीमारी की मात्रा बढ़ जाए या सीवियरिटी बढ़ जाए तो बच्चा कभी कभी बेहोशी की हालत में भी पहुंच सकता है और उसे पसीना भी आने लगता है। ये बहुत दमा के अत्यंत तीव्र अटैक के लक्षण है। तो ऐसी स्थिति में कि जब दमा, और आमतौर पर हमारा जैसा ऑब्जर्वेशन हम देखने में आता है कि ये रात में, रात के समय में ज़्यादा बढ़ता है, तो जो बच्चे का इलाज चल रहा है ये स्थिति तीव्र हो गई है, और जब तक के दवाखाने डॉक्टर की तरफ पहुँचे, तो आप क्या सलाह देंगे घर बैठे पेरेंट्स ने क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता दूँ कि एखादे बच्चे में अगर दमा का अटैक सीवियर आता है तो वो फ्यूचर में भी बहुत ज़्यादा सीवियर ही आता है। तो सबसे पहले माता पिताओं ने अपने डॉक्टर का नंबर अपने पास रखना चाहिए कि जब भी थोड़ी सी भी खांसी बच्चे को चालू हुई तो तुरंत डॉक्टर को इन्फॉर्म करें कि डॉक्टर साहब हम बच्चे को लाने वाले हैं। लेकिन वहाँ तक ही उन्होंने रुकना नहीं है, उन्होंने घर में डॉक्टर साहब ने जो दवाइयाँ प्रिस्क्राइब करी है घर में देने की, वो तुरंत दे देना चाहिए। वो इनहलेशन थेरेपी हो या ओरल मेडिसिन हो, वो तुरंत दे देना चाहिए। मतलब डॉक्टर के पास पहुँचने के पहले उस बच्चे का इलाज घर से चालू होना ये बहुत ज़रूरी होता है। इससे हम बहुत कंडीशंस में बच्चे को हॉस्पिटलाइज करने का टाल सकते हैं। डॉक्टर जोशी जी, इस बीमारी के ऊपर उपचार में भी काफ़ी बदलाव आए हैं पिछले कुछ वर्षों में, साइंस ने काफ़ी प्रगति की है, तो अभी बीइंग ट्रेनर नवीनतम उपचार पद्धति क्या है? अगर ये बीमारी वातावरण में के जो एलर्जेंस है या जो कण है वो फेफड़े में जा रहे हैं और उसके वजह से बीमारी हो रही है, तो मेडिकल साइंस ने ये सोचा कि इसका तोड़ भी वैसे ही निकाला जाए। तो आजकल जो मॉडर्न ट्रीटमेंट है जो पिछले 2-3 दशकों से हम कर रहे हैं वो है इनहलेशन थेरेपी, जिसे इनहलेशन थेरेपी कहते हैं। इसका माने ये होता है कि दवा की मात्रा डायरेक्ट फेफड़ों में पहुँचे और सांस की नलिकाओं में जाए जहाँ पे ये बीमारी है। इनहलेशन थेरेपी में जो दवाइयाँ हम पुराने ज़माने में ओरली देते थे मेडिसिन, मतलब सिरप, कफ सिरप बोलो या गोलियाँ बोलो, उसको हमने आजकल इनहल एरोसोल पार्टिकल जिनको बोलते हैं कि जो हवा में से हम दे सकते हैं, ये दो टाइप के होते हैं। इसे MDI बोलते हैं, मीटर डोज इनहेलर, मतलब छोटे बच्चों में ये दो चीज़ें ज़्यादा प्रचलित है। इसमें नंबर वन ये MDI करके है। लेकिन अब MDI का प्रॉब्लम क्या है कि आप बड़े आदमी को तो आप कह सकते हैं कि आप कोऑर्डिनेट करो, जब ये दबाएं तो आप सांस अंदर लो, बच्चों को आप ये नहीं बोल सकते। इसलिए बच्चों को ये MDI में से दवा देने के लिए इसे, इस बॉटल को स्पेसर कहते हैं। ये स्पेसर में ये MDI की दवा छोड़ी जाती है, पहले उसके नाक में लगाई जाती, नाक और मुँह बंद किया जाता है। 4 साल के नीचे के बच्चों को ये मास्क यूज़ किया जाता है, 4 साल के ऊपर का बच्चा ये डायरेक्ट मुंह में ले सकता है। लेकिन MDI का उपयोग कतई ही स्पेसर के बिना न करें। MDI करना है तो स्पेसर जरूरी है। इसके काफ़ी मेडिसिनल फायदे हैं, MDI की दवा का इफेक्ट स्पेसर के बिना नहीं आता है। दूसरा, इसको हम ड्राई पाउडर इनहेलर बोलते हैं, DPI, जो कि कैप्सूल फॉर्म में बहुत सस्ते और इजीली अवेलेबल है। स्कूल गोइंग बच्चा जैसा, ये बड़ी, ये चीज़ थोड़ी बड़ी हो जाती है कैरी करने के लिए, तो स्कूल गोइंग बच्चा ये कैप्सूल अपने साथ में ले जा सकता है। इसको रोटा हेलर नाम से जाना जाता है। इसमें ये कैप्सूल डाल के इसको क्रश किया जाता है और ये बच्चा फिर खींचता है। तो ये दो जो चिकित्सा पद्धति है, एक MDI मतलब मीटर डोज इनहेलर और दूसरा DPI कैप्सूल, ये छोटे बच्चों में सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है। के खुद की चिकित्सक अनुभव में कहाँ तक उपयोगी है ये? बहुत ज़्यादा उपयोगी है। हम अस्थमा पे अच्छी तरह से, अस्थमा के सारे सिम्टम्स और जो उसके जो लक्षण हैं वो पूरी तरह से हम
काबू में ला सकते हैं। इसमें दो टाइप की दवाइयां पाई जाती है, एक दवा बोले तो क्विक रिलीफ के लिए पाई जाती है जिसको हम रिलीवर कहते हैं, और एक दवा जिसको हम कंट्रोलर कहते हैं, वो हमें कंटिन्यूस रूप में कुछ हफ्ते कुछ महीने देना पड़ती है। डॉक्टर संजीव जी, एक बात आपसे जानना चाहेंगे कि समाज में एक ऐसी एक धारणा है कि अगर एक बार इसका उपयोग करें तो इसकी आदत हो जाती है, या ये अंतिम उपाय के रूप में कि बहुत ज्यादा बढ़ गया इसलिए इसको यूज करते हैं, कहाँ तक सही है? देखो, सबसे पहले तो मैं अपने दर्शक गणों को बताना चाहता हूँ कि ये अंतिम उपाय नहीं है, ये पहला उपाय है। आजकल अस्थमा जब तक आपका इनहेलेशन थेरेपी से कंट्रोल में है, मतलब आपका अस्थमा माइल्ड है या मॉडरेट की स्थिति में है, जब आपका अस्थमा अत्यंत बढ़ जाए और इनहेलेशन से भी ठीक नहीं हो, तब हम ओरल मेडिसिन का यूज करते हैं। तो मतलब ये धारणा कि भाई ओरल या इंजेक्शन पहले होना चाहिए, वो गलत है? वो टोटल ही गलत है, यानी उसका यूज हो तो ज्यादा बढ़ गया। हाँ, अब दूसरी बात है, ये साधारणतः 90% पेरेंट्स हमें पूछते हैं जब हम इनहेलेशन थेरेपी चालू करते हैं कि भाई इसकी आदत पड़ जाएगी। ये धारणा टोटली गलत है, इसकी बिल्कुल आदत नहीं पड़ने वाली है। अगर इनहेलेशन थेरेपी का उपयोग उस बच्चे में डॉक्टर की सलाह से ठीक ढंग से किया गया हो, और बच्चे को दवाइयों की मात्रा ठीक ढंग से मिल रही हो, और जो टेक्निक बताए गए हैं डॉक्टर ने सिखाए हुए हैं वो ठीक ढंग से घर में करते हैं, तो कुछ दिनों के बाद में आप ये इनहेलेशन थेरेपी भी बंद करके भी अस्थमा को कंट्रोल में रख सकते हो। मतलब आदत पड़ना ये टोटली गलत है। डॉक्टर संजीव, एक और बात आपसे जानना चाहिए, जो अक्सर करके पेरेंट्स हमसे पूछते हैं कि कुछ ठंडा पदार्थ जैसे उदाहरणार्थ केला हो गया या चावल हो गया, दही हो गया, इन चीजों को खाने से बच्चे में अस्थमा होता है या बढ़ता है, ये कहाँ तक सही है? हमारे समाज में टोटल ही गलत धारणा है कि दही खाने से या संतरा खाने से या केला खाने से दमा बढ़ता है या खांसी होती है। इन चीज़ों का दमा से और खांसी से कुछ लेना देना नहीं है। कुछ वेस्टर्न कंट्रीज़ में जहाँ पे एलर्जिक डिसीजेज ज़्यादा है, वहाँ पे एग्स प्रोटीन एलर्जी बोलो या फिश एलर्जी बोलो, उसके वजह से बच्चों में दमा पाया जाता है। लेकिन हमारे देश में फूड एलर्जी से दमा होना ये बहुत ही रेयर बात है। मतलब बच्चों को इन चीज़ों से वंचित न करें। तो मोटे तौर पर संजीव, उनके खान पान में कोई पथ्य परहेज नहीं है? कोई परहेज रखने की जरूरत नहीं है। एक होता है कि कई बार जैसे माए या पेरेंट्स हमारे पास में लाते हैं कि डॉक्टर साहब इसे बहुत मना किया लेकिन खेलने के लिए मानता नहीं, दौड़ता भागता है और फिर इसकी सांस फूल जाती है, अस्थमा बढ़ जाता है, ये कहाँ तक उचित है? देखो, जैसे हमने अस्थमा के बारे में शुरुआत में कहा था कि ट्रिगर होता है अस्थमा, मतलब कोई कभी सर्दी से ट्रिगर हो जाता है, कभी स्मोक से हो जाता है, बहुत सी चीज़ों से होता है। वैसा एक ट्रिगर स्पोर्ट एक्टिविटी भी है बच्चों में कि जो अस्थमा को ट्रिगर करती है। लेकिन मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगा कि बच्चे के इलाज पे अगर हमने अच्छी तरह से ध्यान दिया तो बच्चे को कुछ दिनों के बाद, अच्छे मतलब सफल इलाज के बाद में, खेलने में जो कठिनाई हो रही है, दौड़ने में वो कठिनाई हो रही है, उस पर ये बच्चा जरूर विजय हासिल करेगा। मतलब कूद का उसका खेलना कूदना बंद नहीं किया जाए, हाँ कुछ बदल उसमें आप हम कर सकते हैं। डॉक्टर जी, आप हमारे दर्शकों को क्या सलाह देंगे कि उन्होंने जिन बच्चों को अस्थमा है, जिन व्यक्तियों को अस्थमा, उन्होंने क्या चाहिए अवॉइड करना चाहिए, टालना चाहिए, ताकि ये बढ़े नहीं है, शुरू नहीं हो? जब हम अस्थमा का एक डायग्नोसिस बच्चे में कर देते हैं, उसमें सबसे ज़रूरी तो है घर में अगर कोई स्मोकिंग कर रहा है तो उसे बंद कर देना चाहिए। दूसरी बात, हमारे घर के जो कारपेट्स वगैरह जिनके घर में होते हैं वो बहुत धूल से भरे हुए होते हैं, उन्हें रेगुलर क्लीन करना चाहिए। तीसरी बात, हम ये जो मॉस्किटो वॉइड्स, मॉस्किटो कॉइल्स वगैरह यूज़ करते हैं वो बहुत डेंजरस चीज़ें हैं, उन्हें अवॉइड करना चाहिए जहाँ पर अस्थमा शरीर की बीमारी जिस घर में है। और बाद में एकदम स्ट्रांग परफ्यूम है, ये सब चीज़ें भी अगर थोड़ी हमने अवॉइड करी तो अच्छा रहेगा। आजकल के बच्चों में बहुत बड़ी समस्या है, जंक फूड सिर्फ अस्थमा ही नहीं, बहुत सी बीमारियों को आमंत्रित करता है, तो उससे दूर रहना ही बेहतर है। ये फूड एलर्जी के संदर्भ में मैं नहीं कह रहा हूँ, जंक फूड के साथ बहुत सी बाकी भी चीज़ें उसमें मिली हुई होती है, उसके वजह से ये अस्थमा बढ़ता है। डॉक्टर संजीव जी, बहुत बार पेरेंट्स हमसे पूछते हैं, डॉक्टर जो नेबुलेशन आप यहाँ करते हैं, जो मशीन होती है जिससे वो वाज दी जाती, भाप दी जाती है, वो अगर हम घर पे ले आए तो कैसा रहेगा, इस बारे में आपकी क्या सलाह है? देखिए, ये मैंने अभी आपको जो दो विधियां बताई है, एक ये MDI स्पेसर और दूसरी ये DPI कैप्सूल, इसके अलावा
एक नेबुलाइजर मशीन आती है जिसके जिससे भी हम इनहेलेशन थेरेपी देते हैं। अब मैं व्यक्तिशः और एज अ ट्रेनर अस्थमा का, घर में पेरेंट्स का नेबुलाइजर यूज करने के बिल्कुल खिलाफ में हूँ। मैं कभी मेरे पेशेंट्स के पेरेंट को घर में नेबुलाइजर देने की सलाह नहीं देता हूँ। इसकी मुख्य दो वजह हैं। देखिए, ये अभी जो रिसेंट जो साइंस में स्टडीज हुए हैं अस्थमा के ट्रीटमेंट पे, कि MDI और स्पेसर कितना हैंडी है, ना उसे इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत है, कॉस्ट भी कम है, बच्चा अपने साथ में लेके घूम सकता है, अगर माँ बाप ट्रैवलिंग में हो तो साथ में लेके घूम सकते हैं, और इसका इफेक्ट भी नेबुलाइजर इतना ही अच्छा है। कुछ स्टडीज तो ऐसे कहते हैं कि नेबुलाइजर से भी ये ज़्यादा इफेक्टिव है, तो मैं नेबुलाइजर घर में देने के पक्ष में नहीं हूँ। दूसरी एक बात, बहुत से पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि हमारे घर में नेबुलाइजर है, बच्चे को खांसी हुई हमने नेबुलाइजर दे दिया, तो उनमें एक फॉल्स कंप्लेसेंसी आती है, मतलब एक झूठा आत्मविश्वास आ जाता है कि भाई हमने अभी नेबुलाइजर लगा दिया, अभी हमारे बच्चों को कुछ नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। एक बार नेबुलाइजर लगाने से भी बच्चे का जो अस्थमा का अटैक है कभी टलता नहीं है, एक आध बार बच्चा सीरियस हो सकता है, और रात में अगर बच्चा सीरियस हो गया नेबुलाइजर के बाद में भी तो बच्चे को प्रॉब्लम आ सकते हैं। तो इस बात की वजह से भी मैं नेबुलाइजर का उपयोग घर में करने के विरुद्ध हूँ। डॉक्टर संजीव जी, चर्चा के अंतिम पड़ाव में हमारे दर्शकों की एक इच्छा होती है, एक उत्कंठा होती है कि हमारे व्यक्तिगत जीवन के किसी पहलू के बारे में उन्हें को रोचक जानकारी मिल सके। तो इस चर्चा से आपसे पूछना चाहते हैं कि आपके जीवन का कोई ऐसा अविस्मरणीय पल या घटना जो आप हमारे दर्शकों से शेयर करना चाहें। मुझे मेरे आयुष्य का एक पल बहुत अच्छी तरह से याद है। दर्शकों, मैं एक बहुत ही, मेरा जो प्राइमरी एजुकेशन हुआ है वो यवतमाल जिले के एक बहुत छोटे गांव में हुआ है। 7वीं कक्षा तक मैं नीचे फर्श पे बैठता था। उस गांव में 3 साल पहले एक बहुत बड़ी बाढ़ आई। हमारा गांव नदी के किनारे है, तो किनारे पे जो कुछ झोपड़पट्टी झुग्गी झोपड़ी थी वो सारी बह गई। अब करीब करीब एक 10-15 फैमिली, मतलब 50-60 लोग होंगे पूरे, वो पूरे विस्थापित हो गए। अब वो ऑन रिकॉर्ड नहीं थे ग्राम पंचायत के, इसलिए उनको गवर्नमेंट से एड नहीं मिली। तो मेरे पिताजी ने मुझे बताया, ये जब सिचुएशन बताई, तब हम लोग सारे, हमारे परिवार के लोग, हम गांव गए, हमने अनाज ले गए साथ में, 4-5 दिन का राशन उन लोगों के लिए। लेकिन वहां जाके पता चला कि ये मतलब ये कुक नहीं कर सकते, उसको पका नहीं सकते किचन, तो फिर हमने, किचन नहीं था, तो हमने सरपंच को रिक्वेस्ट करके ग्राम पंचायत में एक छोटा सा किचन बनाया, और वो 50-60 लोगों का 4 दिन तक हमने पूरा खाना पानी का अरेंजमेंट करा। कुछ बीमार हो गए थे, बड़े बूढ़े बच्चे, उनकी हमने दवाई भी करी। बेचारे अनपढ़ थे, 4-5 दिन तक हम कर रहे थे उनकी पूरी ये। तो जब गवर्नमेंट एड बाद में आ गई, लेकिन जब उनके उनके चेहरे पे का वो जो मुझे खुशी दिखी, शब्द नहीं थे उनके पास हमें शुक्रिया करने का या थैंक्स बोलने का, लेकिन उनके आंखों में जो भाव दिखे, उस भाव से मुझे मतलब एक सुख मिला अंदर का, अंदर से एक सुख मिला, एक अच्छी भावना तैयार हुई, और ऐसा लगा कि नहीं, ये जब समाज को हमारी ज़रूरत है और मैं उसी गांव में पला बड़ा हूं, तो मेरी ये नैतिक जिम्मेदारी होती है कि कभी जैसी एक नैसर्गिक आपदा आ गई तो मैं अपने भाई बहनों की मदद करूं। तो दर्शकों, जैसा कि इस वाक्य से डॉक्टर जोशी जी का जो व्यक्तित्व तो उभरता है कि न केवल अपने प्रैक्टिस के लिए कमिटेड है, बल्कि सामाजिक कार्यों के प्रति जो उनका दायित्व है पूरी तरह से निभाते हैं, साथ ही जो माता पिता परिवार से मिले संस्कारों को पूरी तरह से सहेज के रखा है, और एक सादगी पसंद और अपने जड़ों से जुड़े होने का जो उनका एहसास है, ये व्यक्तित्व उन्हें उनकी पूरी महानता प्रदान करता है। डॉक्टर संजीव जोशी, आप हमारे स्टूडियो में आए, हमारे दर्शकों को इतना उपयुक्त मार्गदर्शन आपने प्रदान किया, इसके लिए हम आपके आभारी हैं। धन्यवाद। दर्शकों, कार्यक्रम आपका अपना है। ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा, इस विषय में आपकी प्रतिक्रियाएं, आपके सुझाव, और साथ ही इससे संबंधित अगर कोई प्रश्न हो या मेडिकल विषय से संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो स्क्रीन पर दिखाए हुए नंबर पर हमसे अवश्य संपर्क करें। आपके सुझावों का और प्रतिक्रियाओं का हमें इंतजार रहेगा। अगली बार फिर एक नए विषय पर एक नए एक्सपर्ट के साथ
आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं, नमस्कार।